फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो देखिए, मैं स्टार्ट करते हुए पेठे की बरी से। तो मैंने सोचा चलिए बरी बनाऊंगी, आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने एक छोटा सा पेठा लिया है और 1 किलो दाल के लिए काफ़ी है। इसको छील के धो के कस के फिर मिलती हूँ आपसे, और आज बरी बनाने की पूरी विधि दिखाऊंगी आप लोग को। बने रहिए मेरे चैनल पर। देखिए, हमने ये पेठा छील लिया है, अब हम इसको इसमें कसेंगे। दिखाती हूँ कसने के बाद। देखिए, ये है दाल, ये मैंने भिगोई थी, अभी इसको धोती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ धोने के बाद। देखिए, मैंने दाल धो ली, ये पता नहीं कितनी अंदाज से मैंने 1.5 किलो करीब भिगोई थी, और मैंने इसको चलनी में रख दिया भगोने के ऊपर, ताकि ये दाल अच्छे से पानी निचुड़ जाए। फिर इसको आधा मिक्सी में पीसूँगी और आधा सिल पे पीसूंगी। देखिए, मैंने सिल तैयार कर लिया है, इस पर पीसूंगी दाल आधी, और फटाफट तैयारी करती हूँ क्योंकि धूप भी निकल चुकी है। चलिए मिलते हैं दाल पीसने के बाद। देखिए, ये दाल सब मैंने पीस ली, थोड़ी मिक्सी में पीसी है, थोड़ी सिल में, क्योंकि मिक्सी में पतली हो जाती है, इसलिए हमें तब भी हो ही गई थोड़ी बहुत। अब ये पेठा इसमें मिलाती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमने इसमें पेठा मिला दिया, अब हम इसको खूब फेंटेंगे दाल के साथ। दिखाती हूँ, इसमें नीचे दाल है, ये देखिए, और ये पेठा। अभी मिलती हूँ आपसे कुछ देर में। देखिए, पेटने के बाद ऐसी हो गई है, बहुत पेठी है, जो बहुत मुलायम हो गई। अब हम इसकी इस तरह से ऐसे गोल गोल वहाँ बरी बनाएंगे। चलिए चलते हैं छत पे। चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं बरी। मैंने नहा के पूजा उजा कर ली, मैंने कहा फ्री होके बनाती हूँ। चलिए, अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 9 ही बजे, फटाफट हम अपनी बरी बनाते हैं क्योंकि धूप चली जाएगी। चलिए चलते हैं छत पे। दाल ले आई हूँ पानी जग में, और चार पाई पे मैंने ये चुन्नी बिछा दी है। इस पर रखी है 3 मिर्च, कहते हैं इससे बरी को नज़र नहीं लगती है, धूप भी बहुत तेज है। चलिए बनाते हैं। देखिए, बनाते हैं गणेश भगवान का नाम लेके। बहुत तेज़ धूप हो रही है, अच्छी से सूख जाएंगी, मतलब सूख जाएंगी। चलिए, ये देखिए, मिलती हूँ आपसे बनाने के बाद। देखिए, एक वो जनरेटर चल गया, वहाँ मकान बन रहा है, तो आवाज़ भी नहीं आ रही। देखिए, दिखाती हूँ बैक कैमरे से, मेरी बरी बन चुकी हैं, ये देखिए। अगर बरी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। उस दिन मैंने बरी वाला ब्लॉग बनाया था, तो वो थोड़ा छोटा था, इसलिए मैं इसको आज पूरा कर रही हूँ। और अब चलते हैं, दिखाते हैं आज नानी के यहाँ। मामी जी आई हुई हैं एक, और सबसे पहले आप मिलिए हमारी कुसुम रानी से। 1 मिनट मिलवाते हैं। और कुसुम, क्या हाल है? बढ़िया, सही। आज हमारी कुसुम टाइम पे आई हैं, है ना? सही, हाँ, चलो बढ़िया, ऐसे रोज आते रहो, काम हमारा फटाफट टाइम पे होता रहे। चलो चलिए, मिलते हैं हम नानी के घर। आज मिलिए पापा जी से। कैसे हो पापा? बढ़िया, और ठीक है? बढ़िया है भैया, बढ़िया। चलो चाय पी रहे हैं हम लोग नानी के आके। अब मिलवाते हैं मामी से, ये देखो। और मामी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज ही हमारी मामी आई हैं, अभी बैठी हैं मम्मी। बढ़िया है, सही है। और इनसे मिली, ये भी आज आए इतने दिनों बाद। हेलो, ठीक? सही है, बढ़िया। देखो नानी ने कितना नाश्ता रखा है, मना करते हुए भी। और पापा, आप सुनाओ, कैसा लग रहा है बहेड़ी से यहाँ के? अब अच्छा लग रहा है, जहाँ आदमी रहता है वहाँ अच्छा ही लगता है। सही बात है, जहाँ रहते रहो वहाँ अच्छा लगता है, कोई वहाँ जाओ तो वहाँ अच्छा लगता है। सही बात है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, मामी से मिले, अच्छा लगा। फैमिली, अब दोपहर के बाद मिलती हूँ आपसे। अभी लंच करा है हम लोगों ने, पनीर बनाने जा रही थी, मना कर दिया इसने, तो मैंने इसे पकौड़ियाँ बना के खिला दी। और चलते हैं अब ज़रा मार्केट, क्योंकि नैतिक के स्कूल में कोई प्लांट मंगाएं, देखते हैं किस चीज़ के प्लांट मिलेगा।
फिर इसको प्लांट दिलाते हैं नर्सरी से। चलिए चलते हैं मार्केट। वाह, हिमांशु खिलाड़ी बॉलिंग करते हुए नैतिक ने मारा छक्का। देखिए अजंता स्वीट्स हाउस है, बहुत अच्छी मिठाई मिलती है यहाँ। नैतिक ने लिए यहाँ आइसक्रीम, कि यहाँ का ढोकला वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। ये है ढोकला, मिठाइयाँ, समोसे वगैरह भी इनके बहुत अच्छे होते हैं। देखिए हम प्लांट ले आए, बारिश इतनी तेज हो गई थी तो हमने वीडियो नहीं बनाई वहाँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।